नाम संजीव शर्मा है और आज की इस सभा का मुझे सभी ने अध्यक्ष घोषित किया है और उसके अधिकार के अनुरूप जो आज आपने हमारा आज सबको यहाँ संगठित होकर के अपनी आप सब लोगों के माध्यम से अपना जो दुख दर्द है उसको बयां करने के लिए कि हमारी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अधिकारों का जो हनन किया गया और जिन व्यक्तियों ने इस संस्था के पैसे का गमन किया है और उसका लेखा जोखा का हिसाब किताब आज तक किसी ने भी नहीं दिया और हिसाब किताब मांगने पर उन लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करके और उन्हें उनके पदों से इस्तीफा देने के लिए धमकाया और डराया गया। लेकिन आज हम यहाँ से इसलिए एकत्रित हुए हैं कि आज नोएडा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जिसने संयुक्त मोर्चा के विश्वास में आकर के जो धोखा खाया उस धोखे का आज स्वरूप सामने आ गया है और इस मंच से मैं अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा नोएडा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के आदेश अनुसार संयुक्त मोर्चा का आज के बाद हमारे नोएडा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से किसी भी तरीके का कोई भी संबंध नहीं है और आगे रही बात हमारी ट्रांसपोर्ट नगर की तो इस रणनीति हम 2002 से 4 से लेके 2008 2013 और आज 2017 में खड़े हैं वो हम प्राधिकरण से अपनी आगे जो भी हमारी रणनीति है उसको लेकर के प्राधिकरण से मिलेंगे। हमने ना गलत का साथ कल दिया था और ना गलत को हम सहेंगे। यही हमारा आप सब लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि हमारे इस दर्द को आप लोग प्रेस वार्ता ऐसे रखा कि हम इसकी जो कार्यकारिणी की हमारी जो इनसे पीछे से हमारे साथ में धोखा होता रहा है उसको आगे के लिए हम कार्यकारिणी गठन करके इसको बंद करेंगे और ट्रांसपोर्टरों की उपस्थिति जो है आप लोगों के सामने है सभी जी इनसे सभी दुखी है और नई कार्य हम नई कार्यकारिणी गठन करेंगे। ठीक है जी वक्तव्य 3 नवंबर तक अगर नहीं दिया तो उसका विरोध करेंगे लेकिन प्राधिकरण ने कहा है कि 15 तारीख को वो लोग उसके लिए हमने बता दिया हम कंडक्ट कोर्ट जाएंगे। ऑर्डर हमारे पास में केस हमने डाला हुआ है इससे पहले भी हमने केस डाला था जो 76,000 रुपए का रेट आगे 18,000 एक्सप्रेस हुआ था प्राधिकरण से मिल करके आगे की जो भी रणनीति अभी हम मिलेंगे सोमवार को मिलकर के उसके बाद उसका क्या निर्णय है क्या उसके बाद दिनेश यादव वो हमारी जो प्रेस वार्ता थी इसी मैटर में थी जो संयुक्त मोर्चा का अध्यक्ष फर्जी संयुक्त मोर्चा का अध्यक्ष चौधरी वेतपाल एक नवंबर को चक्का जाम की घोषणा की थी उसका हम विरोध करते थे और हम अपने संयुक्त मोर्चा से बिल्कुल अब नोएडा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अलग हो चुकी है और ऐसे फर्जी लोगों को बिल्कुल नोएडा में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। इसका क्या विरोध भी करेंगे 1 नवंबर को? नहीं हमारा कोई चक्का जाम नहीं है हम इस शहर की व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। वो चक्का जाम के नाम पे सिर्फ पैसे की उगाही करते हैं ऐसा हम नहीं होने देंगे। क्या इस बारे में कभी आपने डीएम से या प्राधिकरण से मिलने की कोशिश करी? कई बार किया भले एसपी सिटी को इसका ज्ञापन दिया सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन दिया है कि इसकी जाँच की जाए उस चक्का जाम को रोका जाए। नोएडा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और नोएडा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और नोएडा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जिसके अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा हैं उनके अनुरूप हम लोग काम करते रहे और जो वेतपाल ने घोटाला किया उसका देख चुके हैं। हमसे एनके सिंह साहब ने बर्बली बोल दिया था कि 30 तारीख तक आपका अलाटमेंट लेटर दे देंगे लेकिन अभी 30 तारीख में भी टाइम है और माननीय हाईकोर्ट का 3-5 का जो ऑर्डर है उसमें भी 3 तारीख को पूरा होगा। अब इसने अपनी राजनीति और लोगों से उगाही करने के चक्कर में इसने एक नया ड्रामा मचाया कि चक्का जाम हम ना उसको अपने आप को अलग रखते हुए और एसपी साहब को भी अवगत करा दिया कि हम इससे अलग हैं सारे ट्रांसपोर्टर नहीं होगा और बाकी माननीय अध्यक्ष जी बताएं। Focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world class businesses. BinTech, excellence with values.